नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे और रिव्यू करेंगे और कंपेयर करेंगे इंडिया में अवेलेबल सबसे बेस्ट एयर कूलर्स के बारे में। तो एक एक करके जान लेते हैं वो कौन कौन से एयर कूलर्स हैं। तो सबसे बढ़िया जो बेस्ट एयर कूलर्स में आता है वो है क्रॉम्पटन का एयर कूलर, उसके बाद आता है बजाज का DMH90 नियो एयर कूलर और लास्ट में आता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का एयर कूलर। कंपैरिजन शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको प्राइजेस बता देता हूँ इनका। तो जो रॉम्पटन का एयर कूलर है वो आपको मिल जाएगा 14,500 यानी 14,500 रुपीस में। बजाज का जो एयर कूलर है वो आपको मिलेगा 11,000 यानी 11,000 रुपए में। ओरिएंट इलेक्ट्रिक का जो एयर कूलर है वो आपको मिल जाएगा 12,000 यानी 12,000 रुपीस में। जितने भी प्राइजेस मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी के प्राइजेस है, तो अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो प्राइसेस जो है चेंज हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पैरामीटर है जिसमें हम लोग इसको कंपेयर करेंगे वो है एयर फ्लो के ऊपर। तो क्रॉम्पटन में आपको मिलता है 6470 क्यूबिक मीटर पर आवर का एयर फ्लो, फिर बजाज में मिलता है 5600 क्यूबिक मीटर पर आवर का एयर फ्लो और ओरियन में मिलता है 3650 क्यूबिक मीटर पर आवर का एयर फ्लो। अगर मैं एयर फ्लो के बारे में बात करूं तो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस जो है सबसे बढ़िया एयर कूलर है। उसके बाद बात करते हैं वाटर टैंक कैपेसिटी, कितना पानी जो है आप एक टाइम पे डाल सकते हो इस एयर कूलर में। तो क्रॉम्पटन में आप 65 लीटर तक डाल सकते हो, बजाज में आप 90 लीटर तक डाल सकते हो और ओरियन में आप 65 लीटर तक डाल सकते हो। तो बजाज जो है सबसे बेस्ट है, वाटर टैंक कैपेसिटी सबसे ज्यादा है बजाज की इस एयर कूलर मॉडल के ऊपर। स्पीड सेटिंग की बात करें तो तीनों एयर कूलर में आपको तीन स्पीड सेटिंग मिल जाता है, एक लो, हाई और मीडियम। अभी बात करते हैं एयर थ्रो के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जितना ज्यादा एयर थ्रो होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस तक आपका जो है एयर फ्लो जाएगा। तो क्रॉम्पटन में मिलता है 55 फीट तक, बजाज देता है 90 फीट तक और ओरियन देता है 59 फीट तक। तो बजाज जो है इस मामले में बहुत ही बढ़िया है। अभी बात करते हैं आइस चेंबर के बारे में। तो आइस चेंबर आपको क्रॉम्पटन में दिया जाता है, बजाज में भी दिया जाता है, पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक में आप आइस नहीं डाल सकते हो, आइस चेंबर आपको नहीं मिलता है। वारंटी की बात करूं तो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में आपको एक साल का वारंटी मिलता है, बजाज DMH90 नियो में आपको 3 साल का वारंटी मिलता है और ओरियन में भी आपको 1 ही साल का वारंटी जो है मिल जाता है। अभी बात करते हैं ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में, बजाज और ओरियन में आपको ये नहीं मिलता है। तो अगर आप ऐसे जगह में जाते हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आप जो है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी बात करते हैं लास्टली कस्टमर रिव्यू रेटिंग अमेजोन में किसका कितना अच्छा है। क्रॉम्पटन को मिला है 3.9, बजाज को मिला है 3.9 और ओरियन को मिला है 4। तो अगर आप ह्यूमिड एरिया में रहते हो तो आपको ज़रूर जो है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस लेना चाहिए, पर नहीं तो मेरे ख्याल से बजाज DMH90 नियो मॉडल जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका वाटर टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है, एयर थ्रो ज़्यादा है, इसमें आपको वारंटी भी ज़्यादा मिल जाता है। तो इन तीनों में से जो भी मॉडल आपको पसंद आया है आप जो है नीचे मैंने बेस्ट बाय लिंक दे के रखा है इन सारे एयर कूलर्स का, वहाँ पर जाके इनको चेकआउट कर सकते हो और फिर वहीं से इनको खरीद भी सकते हो। तो आशा करता हूँ ये कंपैरिजन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इन एयर कूलर से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करना। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म।